कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है। बीजेपी के लीडर लॉकेट चटर्जी ने कहा कि हाईकोर्ट ने बंगाल की पुलिस से यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। ये बहुत जरूरी था क्योंकि बंगाल की पुलिस ने इस मामले को शुरू में ही रफा दफा करने की कोशिश की थी। महिला डॉक्टर के पेरेंट्स को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। ये पुलिस लोग ही सबसे पहले झूठ बोला था, उनका गार्जियन को, उसका पेरेंट्स को भी 3 घंटा 4 घंटा बैठ के रखा था। वही पुलिस ने फोन करके बताया था कि इसका ये सुसाइड हुआ है, ऐसा बोला था। तो इसका मतलब है कि ये लोग कुछ, इसके पास जो भी एविडेंस है तुरंत सीबीआई को इसके पास से लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग मतलब हवा कर देंगे पूरा, इसको लोपट कर देंगे पूरा इसको। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, बंगाल का जनता चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका जांच हो, वो दोषी जो लोग हैं, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है। 30 मिनट्स के अंदर ये निशंस जो भी घटना, भयावह जो घटना घटी है, ये एक आदमी का काम नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ममता सरकार पर सीधे अटैक किया। सुधांशु ने कहा कि जिस तरीके से बंगाल सरकार ने प्रिंसिपल को हटाने के 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त करना खतरनाक है, सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में लगी हुई थी। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है, और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी की सख्त लहजे में निंदा की। जेपी नड्डा ने कहा, जिस तरीके से बंगाल सरकार ने केस को हैंडल किया वो हैरतअंगेज है। सरकार ने जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए मामले को दबाने की कोशिश की थी। बंगाल में जो घटना यंग पीजी स्टूडेंट महिला के साथ हुई है वह सच में दिल दहला देने वाली। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस केस को हशप करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की और जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। कहा कि राहुल गांधी की जुबान डॉक्टर बेटी के साथ बेरहमी पर बंद क्यों है। कोलकाता में सरकारी बलात्कार हुआ है, ममता बनर्जी में अगर थोड़ी सी नैतिकता बची है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी की जुबान बंद हो जाती है जब कलकत्ता में हमारी बेटी डॉक्टर के साथ सरकारी बलात्कार होता है, सरकार के संरक्षण में होता है। ममता बनर्जी को चाहिए जब तक जांच हो रहा है इस्तीफा कर देनी चाहिए ममता बनर्जी को। अगर उसमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इस्तीफा कर देनी चाहिए। सरकार के सह पे ये सारे कांड होते रहते हैं, इसलिए बंगाल अब दरिंदों की सरकार हो गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है, सरकार दोषियों की मदद कर रही है। अधीर ने कहा कि ममता बनर्जी अब सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। कानून व्यवस्था की हालात बदतर होते जा रहे हैं, जो पहले हम लोग शिकायत करते थे वो सही निकले। सर, आपको लगता है सरकार सक्षम नहीं है? बिल्कुल सक्षम नहीं है, इससे नहीं, ये सरकार सब हर चीज में अनदेखी कर रहे हैं, दोषी को मदद करना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने तो पहले ही कहा था कि वो रविवार तक ये केस सीबीआई को सौंप देंगे। कुणाल घोष ने कहा कि जो लोग ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं उन्हें ये बताना चाहिए कि ऐसी घटनाएं कई बीजेपी शासित राज्यों में हुई है, तो वहां किसी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। खराब इंसिडेंट है, हम सब लोग कंडेम कर रहे हैं, और ऑनरेबल सीएम पहले ही दिन पे बोल दिया था पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगा। विद इन 24 आवर्स one accused has been arrested. Honorable CM
स्पेसिफिकली एंड क्लियरली टोल्ड दैट उन्होंने कह दिया था पूरा पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा और फांसी का सजा पुलिस प्रयार करेंगे। इसके साथ सीएम बोल दिया था अगर कोई दूसरा एजेंसी सीबीआई जैसा उसके हाथ में ये इन्वेस्टिगेशन जाएगा तो उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आज कोर्ट के हियरिंग के बाद में ऑनरेबल हाईकोर्ट वो सीबीआई को दे दिया, तो सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे।